जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी क्लास 10th और 12th का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड और अन्य स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम होने वाला है। बहुत ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। ऐसे में कम से कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स अचीव करने के लिए कुछ मैं आपको निर्देश देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप नया अब कुछ भी नहीं पढ़ें, यानी कि जो आपने पढ़ लिया उसी का आप रिविजन करें और कंटिन्यूस को लिख लिख के प्रैक्टिस करें, चाहे वो सब्जेक्ट साइंस का हो या फिर आर्ट्स का या आपका मैथ्स का पेपर हो। आज मैं आपको फिजिक्स के 12 के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेक्शन ए बी सी और डी। ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बी में शॉर्ट, सी में शॉर्ट क्वेश्चन और डी में लॉन्ग टर्म क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के और सेक्शन डी में 5 मार्क्स के। ये चारों सेक्शन ए बी सी डी से मैं आपको जितने प्रश्न उपलब्ध करवा रहा हूँ उतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ फिजिक्स में आपका 80% से कम मार्क्स नहीं आएगा। और उतने सारे प्रश्न को करने के लिए अभी आपके पास काफी समय है, अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। इतने सारे प्रश्नों को अगर आप कर लें तो आपकी सफलता निश्चित है। ये क्वेश्चंस मैं खास करके झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए आप लोग को उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसमें से मैंने झारखंड बोर्ड के अनुसार क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके बिहार और सीबीएसई बोर्ड को भी साथ में लेके चला हूँ। तो मैं आप लोग को परीक्षा के लिए शुभकामना देता हूँ और इन सारे प्रश्नों को आप ठीक से याद करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।